चैप्टर टू का अभ्यास देखो, उच्चारणम कुरुतः। फर्स्ट देखो, हम इसको क्या करना है, उच्चारण करना है। कस्मिंश्चित् क्युदातः सिंहपद पद्धतिः विचिन्त्य एतत् श्रुत्वा। ये यहाँ त छूट गया है। एतत् श्रुत्वा समाह्वानं सात्विदं वायस्तत्रस्त मनसा प्रतिध्वनिः। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर टू देखो, क्वेश्चन नंबर टू में मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ। एक पदे न उत्तरम लिखा था, एक पद में उत्तर लिखना है। फर्स्ट है सिंहस्य नाम किम, जो सिंह था, जो शेर था, उसका नाम क्या था। ठीक है, उसका नाम क्या था लिखना है। गुहायाः स्वामी कः आसीत्, गुहाया का अर्थ क्या है, गुफा। गुफा का स्वामी कौन था, कौन था, दधी पूछ था, जो श्रृगाल था वो था गुहा के स्वामी। तो गुहा यह स्वामी कहा आसीत, गुफा के मालिक कौन था। सिंह कस्मिन समय गुहा यह समीपे आगत, शेर कस्मिन समय, कौन से समय में गुहा यह समीपे गुफा के पास आगत आता था। हस्तपादादिकः क्रियाः केषां न प्रवर्तते, हस्तपाद आदि क्रिया केषां न प्रवर्तते, किसका न काम करता है, किसका काम नहीं करता है, जो मन से डर जाता है उसका हाथ और पैर काम नहीं करता है, हाथ और पैर क्या करता है, कांपने लगता है। इसीलिए पूछा कि हस्तपादादिकः, हस्तपाद आदि का क्रिया काम केशम न प्रवर्तते, किसका काम नहीं करता है। ओके, फिर गुहा के न प्रतिध्वनिता, गुफा कैसा, कैसे प्रतिध्वनि हुआ, कैसे प्रतिध्वनि हुआ, जब शेर जोर से चिल्लाया, उच्च आवाज से चिल्लाया है ना, तो फिर गुहा में क्या हुआ, गुफा में प्रतिध्वनि हुआ। क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, पूर्ण वाक्य न उत्तर रहता, पूर्ण वाक्य में हमको उत्तर देना है। खर नखर कुत्र प्रतिवसति स्म, खर नखर कहाँ रहता था, प्रतिवसति का अर्थ है रहता था, कुत्र का अर्थ है कहाँ रहता था। महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंतयत, बड़ा सा गुफा देखकर, दृष्ट्वा मतलब देखकर सिंह शेर किम अचिंतयत, क्या सोचने लगा। ठीक है, बड़ा सा गुफा देखकर शेर क्या सोचने लगा कि मैं यहाँ रात को रुक जाऊँगा और रात को जो प्राणी आएगा मैं उसको आहार बनाऊँगा, अपना आहार बनाऊँगा। फिर श्रृगाल किम अचिंतयत, जो श्रृगाल वो क्या सोचने लगा, क्या सोचने लगा कि इसके अंदर कोई शेर है। श्रृगाल कुत्र पलायित, श्रृगाल कहाँ चला गया। ठीक है, जब वो देखा शेर के पंजा, वो क्या किया, अंदर नहीं गया, गुफा के अंदर नहीं गया, दूर चला गया। तो श्रृगाल कुत्र पलायित, श्रृगाल कहाँ चला गया, कुत्र अर्थ है कहाँ, पलायित का अर्थ है चला गया। गुहा समीपम आगत्य श्रृगाल किम पश्यति, गुहा के पास आकर श्रृगाल क्या देखा, क्या देखा कि कोई शेर के पंजा अंदर तक गया है लेकिन उसके पंजा के जो निशान है बाहर नहीं आया। ठीक है, पंजा के जो निशान है अंदर गया है गुहा के अंदर लेकिन बाहर आने का कोई निशान नहीं है। कहाँ शोभते, कौन शोभा पाता है, कौन शोभा पाता है, जो विपद आने से पहले उसका उपाय सोच कर रखता है वो हमेशा सुखी रहता है। शोभते का अर्थ है सुखी रहना, कौन हमेशा सुखी रहता है, जो विपद आने वाले विपद के बारे में पहले उपाय सोच कर रखता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर थ्री को कंप्लीट कीजिए।